इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम आबादी 1.6 मिलियन के अधिक हो गई है, जो कि दुनिया की आबादी के 23.4% है। यह इस्लाम को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनाता है। आइए जानते हैं एशिया के 5 सबसे बड़े मुस्लिम देशों के बारे में। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इंडोनेशिया में मुस्लिमों की आबादी 12.7% तक पहुंच गई है। 2010 में 88.1% तक इजाफा हुआ है, जो दुनिया भर में 20.5 करोड़ मुसलमानों के बराबर है। इस तरह इंडोनेशिया एशिया में मुस्लिम आबादी पे पहले स्थान पर है, जहां 228 मिलियन से अधिक लोग मुसलमान हैं। पाकिस्तान। पूरी दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग की संख्या इस मामले में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ एशिया की कुल आबादी के करीब 11% आबादी मुस्लिम है। वर्तमान में ये संख्या काफी बढ़ गई है और इस देश की कुल आबादी करीब 96.4% जनसंख्या मुस्लिम के लोगों की है। वहाँ 198 मिलियन से अधिक लोग मुसलमान हैं। भारत। भारत के पास एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन देश में हिंदू धर्म सबसे व्यापक रूप में प्रचलित है, जहाँ मुसलमानों की कुल आबादी केवल 13.4 हिस्सा है। भारत में इस्लाम लाने के लिए अरब व्यापारी और फारसी मिशनरी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यहाँ पाकिस्तान के बाद 189 मिलियन से अधिक लोग मुस्लिम हैं। बांग्लादेश। इससे पहले बांग्लादेश में कुल 9.2% मुसलमान थे, हालांकि यह प्रतिशत तेजी से बढ़कर 19.4% हो गया है, जो कि साल 2010 में एक अनुमानित 149 मिलियन मुसलमान है। इस तरह बांग्लादेश एशिया में मुस्लिम आबादी में चौथे नंबर पर स्थान है। नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका में बहुत बड़ी और दुनिया के 5 सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। धार्मिक हिंसा के परिणाम स्वरूप पिछले दशक में नाइजीरिया में हजारों लोग मारे गए थे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में 95 मिलियन मुस्लिम रहते हैं।